सूरज निकला, सूरज ढला, वह यहाँ आया, उसने मेरी मदद की, मैंने खाना खाया। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। तो ऐसे जो सेंटेंस है, जनरली इसमें कॉमन क्या है कि ये चीजें सब हो चुकी है, ओके? ये पास से बिलोंग करती है। तो ऐसे ही जो सेंटेंस है जो आप अपने लैंग्वेज में यूज करते हैं, तो उसके लिए आपको कौन से वर्ब्स यूज करने चाहिए, इसी टॉपिक पे आज का वीडियो है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पीक इंग्लिश विद इंस्पायर्ड एकेडमी। आई एम प्रोफेसर गौरी नाठे, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ हमारे नए टॉपिक के साथ। सो हमारा आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब दिस टॉपिक बिलोंग्स टू सिंपल पास्ट टेंस। ओके, तो सिंपल पास्ट के जो सेंटेंसेस है उसमें क्या होता है कि जो मतलब एक्शंस है वो हो चुकी है, ओके? तो वो पास्ट में जो एक्चुअली आपने क्या किया और क्या हुआ, ओके? व्हाट डू यू डू एंड व्हाट हैपन, तो क्या हुआ और क्या किया, इस मतलब इसको एक्सप्रेस करने के लिए जो सेंटेंस आप बोलते हैं उसके लिए आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना होता है, ओके? सो लेट्स बिगिन आवर टुडेस टॉपिक। सो सेकंड फॉर्म, अभी ये जो है कुछ नए अभी बिगिनिंग से जो सीख रहे हैं उनको तो मैंने फर्स्ट फॉर्म सिखा दिया, बट उसका जो सेकंड फॉर्म है, अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो आपको पता है कि विदाउट वर्ब यू कांट स्पीक इंग्लिश। सो यू हैव टू लर्न ऑल वर्ब्स विद योर फॉर्म्स, ओके? आपको वर्ब्स के फॉर्म्स मीनिंग्स लर्न ही करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लेती हूँ, जब भी हम एक आधा एग्जाम्पल लेते हैं, ask, ask means पूछना, ओके? तो उसका जो सेकंड फॉर्म है वो क्या है, asked। तो मोस्ट ऑफ दी जो सेकंड फॉर्म है उनको ईडी लगाते ही वो इट विल बी कन्वर्ट इनटू सेकंड फॉर्म। और ऐसे कुछ वर्ब्स होते हैं उनके फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म टोटली डिफरेंट होते हैं, ओके? तो आज हम सीखेंगे कि ऐसे कौन से वर्ब्स हैं, ओके? वह आया, ही केम, देन उसने गाना गाया, शी सैंग, उसने क्रिकेट खेला, वह खेला, ही प्लेड, वह हंसा, ही लाफ्ड, ओके? तो यहां पे आप देख सकते हैं कि मैंने वर्ब के सेकंड फॉर्म यहां पे लिए है, वह आया, आया मतलब उसकी एक्शन हो चुकी है, उसने गाना गाया, ही शी सैंग, ही प्लेड, ही लाफ्ड, वो हंसा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है तो कौन से भी, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि कौन से जो सब्जेक्ट है, सिंगुलर प्लूरल ऐसा कुछ नहीं है। आप वर्ब का जो सेकंड फॉर्म है, जो भी ऑल सब्जेक्ट है, आई, यू, ही, शी, इट, यू, वी, दे, ऐसे जो सब्जेक्ट है उनके बाद आपको डायरेक्टली वी डू का मतलब सेकंड फॉर्म का यूज करना होता है। अभी देखिए, सब्जेक्ट खाली पर्सन नहीं होंगे, कुछ चीजें होंगी, कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे, उसको भी आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी बस छूटी, आई मिस्ड माई बस, ओके? तो यहाँ पे मिस्ड, यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, तो एज अ सब्जेक्ट आपको कोई चीज भी आ सकती है, ओके? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बताऊंगी कि इस सब्जेक्ट के बाद ही आपको वी डू लगाना है, ऑल सब्जेक्ट के लिए आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, उनकी आंखें आंसुओं से भर गई, तो यहां पे आएगा their eyes filled with tears, okay? their eyes filled with tears। अभी देख सकते हैं आप, यहाँ पे वी टू का मैंने यूज किया है, सेकंड फॉर्म यूज किया है, फिल मीन्स भराना और फुल्ड मीन्स भर गई, ओके? नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, सूरज निकला, द सन अरोज, ओके? अराइज, अराइज मीन्स निकलना, और अरोज मीन्स निकला,
ओके, यहाँ पे भी मैंने सेकंड फॉर्म का ही यूज किया है। उसने नया घर खरीदा, ही बॉट अ न्यू हाउस। ओके, ही बॉट अ न्यू हाउस। बाय मीन्स खरीदना और बॉट मीन्स खरीदा। ओके, उसने उसकी गाड़ी बेच दी तो क्या आएगा? ही सोल्ड हिज कार। सोल्ड, सेल मीन्स बेचना और सोल्ड मीन्स बेच दी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी मतलब जो हो चुका है। ओके, व्हाट इज हैपन एंड व्हाट डू यू डू, आपने क्या किया और क्या हुआ, इसके लिए आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है। ओके, तो ऐसे इस टॉपिक से रिलेटेड में और भी जो एग्जांपल्स है वो लेने वाली हूँ। तब तक वीडियो में बने रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस है वो मिलेगी। थैंक यू सो मच।